हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग की बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की एमसीक्यूज चल रहे थे, इस वीडियो आ रही थी, तो अभी तक हमने उसमें 45 क्वेश्चंस तक सॉल्व कर लिए हैं। आज की वीडियो में उसके आगे हम 46 क्वेश्चन लेंगे और उसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है चैनल पर, लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से देख लीजिएगा। वो क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें और भी आगे जो वीडियोस आएंगी 100 क्वेश्चंस की पूरी सीरीज है आपकी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं और इसमें 46 क्वेश्चन लेते हैं। रेवेन्यू इज सेट टू बी रियलाइज्ड व्हेन, राजस्व की प्राप्ति तब मानी जाती है जब बिक्री की जाती है, माल का निर्माण किया जाता है, नगद प्राप्त होता है, बिक्री की जाती है और नगद प्राप्त होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेवेन्यू जो होता है, जो राजस्व यानी कि जो आय हो रही होती है, इनकम जो हो रही होती है, उसकी प्राप्ति कब मानी जाएगी, किस टाइम पे ये माना जाता है कि वो प्राप्त हो गया है? तो जब कैश रिसीव हो जाता है, जब नगद में प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि बिक्री तो कर देते हैं लेकिन कभी कभी सेल जो होती है वो क्रेडिट सेल भी होती है, उधार पर भी की जाती है। तो वहां पर जब नगद में कैश रिसीव हो जाता है तब माना जाता है कि रेवेन्यू इज सेट टू बी रियलाइज्ड व्हेन कैश इज रिसीव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्काउंट अलाउड ऑन द इशू ऑफ शेयर्स इज एन एग्जांपल ऑफ, शेयरों के या फिर अंशों के निर्गमन पर दी जाने वाली छूट किसका उदाहरण है? पूंजीगत हानि, पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय, अस्थगित राजस्व व्यय। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? डिस्काउंट अलाउड ऑन द इशू ऑफ शेयर्स, जब हम शेयर्स को इशू करते हैं, जैसे कि अगर शेयर है कोई, उसकी मूल्य कहें या उसकी वैल्यू कहें 10 रुपए है अगर, और अगर आपने इशू जो किया तो वहां पर आपने उसको इशू करते टाइम शेयर को 10 बना करके 9 रुपए का इशू किया, तो कितने का आपने डिस्काउंट दिया? 1 रुपए का यहाँ पर आपने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पर जो 1 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया है, वो 1 रुपए क्या है, किस तरह का है? कैपिटल लॉस है, एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर शेयर की बात की जा रही है जो कि लॉन्ग टर्म आपके होते हैं, जो लॉन्ग टर्म है दायित्व वो हो जाते हैं, इसलिए ये रेवेन्यू तो होगा ही नहीं, यहाँ से ये बाहर हो जाएगा। अब कैपिटल लॉस या एक्सपेंडिचर, ये क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ पर ये कैपिटल लॉस नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैसे है ये मैं प्रीवियस वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ बहुत अच्छे से, कि कब जो है लॉस आता है और कब जो है एक्सपेंडिचर में माना जाता है, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर कई आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रिपेयर इनकर्ड फॉर यूजिंग अ सेकेंड हैंड कार परचेज रिसेंटली, हाल ही में खरीदी गई सेकेंड हैंड कार के उपयोग के लिए मरम्मत पर किया गया व्यय है, पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय, पूंजीगत हानि, अस्थगित राजस्व व्यय। क्वेश्चन अब क्या कह रहा है कि जो करंट में ही परचेस की गई थी कार, सेकेंड हैंड कार थी जो करंट में परचेस की गई है, रिसेंटली परचेस की गई है, तो उसकी रिपेयर में कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं, तो किस तरह का खर्चा होंगे, एक्सपेंडिचर होंगे, रेवेन्यू या फिर कैपिटल या फिर कैपिटल लॉस या फिर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो किस तरह का है, उसकी किस क्या नेचर का है, वो जो भी एक्सपेंस हुए हैं वो किस नेचर के हो जाएंगे। तो यहाँ पर कार क्या है, कार आपकी फिक्स्ड एसेट होती है, कार किस में आ जाएगी, ये कार जो है यहाँ पर आपकी फिक्स्ड एसेट है प्लस लॉन्ग टर्म एसेट होती है, दीर्घकालीन होती है, तो जब दीर्घकालीन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेवेन्यू सीधे सीधे बाहर हो जाएगा। एक्सपेंडिचर है कि लॉस है, तो यहाँ पर सेल तो किया नहीं गया, जब हम कुछ सेल कर रहे होते हैं तो वहां पर लॉस की या प्रॉफिट की बात आती है, यहाँ पर सीधे सीधे हो जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेल्स आर इक्वल टू, बिक्री बराबर होती है, बेचे गए माल की लागत प्लस सकल लाभ, बेचे गए माल की लागत माइनस सकल लाभ, सकल लाभ माइनस बेचे गए माल की लागत, या फिर बेचे गए माल की लागत माइनस स्टॉक। यहाँ पर आपको बताना है जो सेल्स होती है, बिक्री होती है, वो किसके इक्वल होती है, कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर दिए या फिर माइनस कर दीजिए, या फिर प्रॉफिट में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करते हैं, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस स्टॉक। क्या हो जाएगा, जो सेल होती है आपको पता होगा कि विक्रय जो निकाला जाता है, तो पहले लागत जो होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसको लिया जाएगा, उसमें जब हम प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को, किसी वस्तु को बनाने की जो लागत आ रही, कॉस्ट आ रही है, उसमें जब हम प्रॉफिट को ऐड करते हैं, उसी के बाद ही तो हम सेल करेंगे, तो वहां पर तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, कि सेल्स जो निकाली जाती है उसमें कॉस्ट और प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इज इक्वल टू हो जाएगा सेल। तो ये इसको ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे प्रॉफिट पूछे तो भी आप सेल में से कॉस्ट लेस कर दीजिए, निकल आएगा, कॉस्ट पूछे सेल में से आप प्रॉफिट को लेस कर दीजिए, वो कॉस्ट निकल आएगा।
यहाँ पर इस फॉर्मूले को याद रखिए, आपके कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो दोनों में से जो भी पूछेगा, सॉरी तीनों में से जो भी पूछेगा आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट इन ड्राइंग इज रिगार्डेड एज, आहरण में ब्याज को माना जाता है, व्यवसायिक लिए व्यय, व्यवसायिक लिए हानि, व्यवसायिक लिए लाभ, व्यवसायिक लिए देयता। यहाँ पर क्या कह रहा है, इंटरेस्ट इन ड्राइंग इज रिगार्डेड। अब ड्राइंग पहले क्या होती है समझ लीजिए, कि जो भी ओनर होते हैं या जो भी कैपिटल लगा रहे होते हैं किसी कंपनी में, अगर उन्होंने जो कैपिटल लगाई उसमें से कुछ हिस्सा जो है या कुछ भाग को अपने यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया है तो ड्राइंग कहलाती है। अच्छा, कैपिटल को भी निकाला जा सकता है या फिर जो गुड्स होते हैं उसको भी निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर अगर कैपिटल को निकाला गया है तो वहां पर उसको ड्राइंग कहा जाएगा पर्सनल यूज के लिए, और साथ में ही इंटरेस्ट जो उस पर होता है, इंटरेस्ट कंपनी को देना होता है जो भी स्वामी है या फिर जो ओनर होते हैं क्योंकि कैपिटल को निकाल रहे हैं या फिर पार्टनर्स हैं, तो उन्होंने उनको ड्राइंग जो करी है उन्होंने उस पर उनको इंटरेस्ट देना हो सकता है। तो वो इंटरेस्ट जो होता है वो किस तरह का माना जाता है, एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस, लॉस फॉर द बिजनेस, गेन फॉर द बिजनेस, लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कंपनी को मिल रहा है, कंपनी को देना नहीं पड़ रहा है, तो एक्सपेंडिचर या लॉस तो होगा ही नहीं, ना ही लायबिलिटी होगी, गेन फॉर द बिजनेस हो जाएगा, व्यवसाय के लिए लाभ होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कि जो भी इंटरेस्ट मिलेगा रिसीव होगा वहां पर वो कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए एक गेन हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन डैश, लेखांकन इंकित के बारे में जानकारी प्रदान करता है, प्रबंधकों के लगातार व्यय, किसी विशेष वर्ष के लिए कंपनी की कर देयता, किसी संस्था की वित्तीय स्थिति, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन अब क्या कह रहा है कि जो अकाउंटिंग है वो क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है, कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर्स, कंपनीज टैक्स लाइबिलिटी फॉर ए पर्टिकुलर ईयर, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो लेखांकन का काम किया जाता है, यानी कि जो भी हमने ट्रांजेक्शन किए हैं उनका लेखा अगर हम रख रहे हैं तो उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, किसके लिए इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पर जो मैनेजर्स हैं उनको भी पता ही चलता है कि कॉस्ट कितनी आई और इनकम कितनी हुई है, कंपनी की टैक्स लाइबिलिटी भी निकाली जा सकती है इजिली, कर देता कितनी है, फाइनेंशियल कंडीशन भी हमें पता चलती है एक इंस्टीट्यूशन की। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये तीनों ही आंसर आपके करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्ग टर्म एसेट दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट आर राइट्स दैट हैव वैल्यू इज नोन एज, दीर्घकालीन परिसंपत्ति जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है लेकिन अधिकार है जिनका मूल्य, उसे डैश के रूप में जाना जाता है, चालू परिसंपत्ति, अचल परिसंपत्ति, अमूर्त परिसंपत्ति, निवेश। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, जो कोई लॉन्ग टर्म एसेट है जिसकी कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं, यानी कि आप उसे भौतिक रूप में देख नहीं सकते, लेकिन उसका राइट होता है और उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, तो वो क्या कहलाती है, करेंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, इंटैंगेबल एसेट, इन्वेस्टमेंट। नाम से ही क्लियर हो रहा है वो क्या कहलाती है, इंटैंगेबल एसेट, यानी कि अमूर्त संपत्ति, इस तरह की एसेट, इस तरह की संपत्ति जिसे आप देख तो नहीं सकते लेकिन वो एक्चुअल में होती है और साथ ही उसकी वैल्यू भी निकाली जा सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें कौन सी हो जाएंगी, तो आपकी गुडविल हो जाती है, गुडविल के अलावा अगर हम बात करें तो ट्रेडमार्क हो जाएगा, ट्रेडमार्क भी इसी में ही आएगा आपका, कॉपीराइट है, पेटेंट है, ये सारी जो हो जाती हैं वो अमूर्त संपत्तियां कहलाती हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट आर डैश, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट है, तो अभी इसी की बात की जा रही थी, किस तरह की एसेट हो जाती हैं ये तीनों ही, या अलग अलग भी पूछा जा सकता है या एक साथ ही पूछा जा सकता है, कौन सी एसेट हो जाती हैं, ये इंटैंगेबल एसेट कहलाती हैं, अमूर्त परिसंपत्ति कहलाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्स इनकम, क्रेडिट एंड कैश ऑफ अ बिजनेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज कॉल्ड डैश, किसी निश्चित अवधि के दौरान किसी व्यवसाय की बिक्री आय, क्रेडिट और नगद को डैश कहा जाता है, लेन देन, बिक्री रिटर्न यानी कि विक्रय वापसी, टर्नओवर या फिर खरीद रिटर्न यानी कि क्रय वापसी। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित टाइम पीरियड में, एक निश्चित अवधि में किसी व्यवसाय में जो बिक्री से आय हुई है, अब चाहे वो क्रेडिट यानी कि उधार पे हुई हो या फिर नगद की हुई हो, क्योंकि जो सेल होती है वहाँ पर कुछ क्रेडिट में भी हो सकती है और कुछ कैश में भी, या पूरी कैश में हो सकती है या पूरी क्रेडिट में भी हो सकती है, तो इस तरह की आय को क्या कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ट्रांजैक्शन, सेल्स रिटर्न, टर्नओवर, परचेस रिटर्न, तो उसे टर्नओवर कहा जाता है, आवर्त भी हिंदी में लिखा हो सकता है या टर्नओवर भी डायरेक्ट लिखा हो सकता है, ध्यान में रखिएगा, तो उसे टर्नओवर कहा जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी रिटेन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड डैश, किसी व्यवसाय लेन देन के समर्थन में कोई भी लिखित साक्ष्य डैश कहलाता है, जर्नल, लेजर, लेजर पोस्टिंग, वाउचर। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, एक सिंपल सा देख समझ लीजिए कि आप मार्केट से अगर कुछ लेने जा रहे हैं, किसी मॉल से आप कुछ ले रहे हैं, तो वहां पर आपको साथ में एक रिसिप्ट मिलती है या कैश मेमो दिया जाता है, जिसमें कि आपने क्या चीज परचेस करी, कितने की है, उसका टोटल बिल होता है, जीएसटी कितना लगा, सारी चीजें उसमें दे रखी होती हैं। तो अगर आप वही चीजें बिजनेस के पर्पज से कर रहे हैं, बिजनेस के लिए आप कुछ भी परचेस कर रहे हैं, तो आकर के आप उसका जो लेखा रखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तो उसी के बेसिस पर ही तो रिकॉर्ड करेंगे रिसिप्ट जो आपके हाथ में होगी कि आपको ने कितना एक्सपेंस किया है, कहाँ कहाँ पर, किसमें आपको कौन सी मद में डालना है, उसे ट्रेडिंग में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में वो एक्सपेंस जाएगा, वो सारी लेखा आप रखते हैं। तो किसके बेसिस पे रखते हैं, वो हो जाते हैं आपके वाउचर्स कहलाते हैं, इसको हिंदी में प्रमाणक भी बोलते हैं, तो वहाँ पर प्रमाणक भी लिखा हो सकता है, तो कन्फ्यूज ना होइएगा, प्रमाणक भी कहलाता है और वाउचर भी कहते हैं। एक तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जर्नल द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्ड ऑन डैश, जर्नल में लेन देन को डैश के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है, उसी दिन, अगले दिन, सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जर्नल में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको किस बेसिस पे, किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, किस दिन पे किया जाता है, सेम डे में, नेक्स्ट डे में, वंस इन अ वीक में, वंस इन अ मंथ में। तो यहाँ पर जो जर्नल हम बनाते हैं उसमें हम दिन प्रतिदिन की रोजनामचा, हिंदी में जर्नल को रोजनामचा कहा जाता है, यानी कि रोज के जो लेन देन होते हैं उनका लेखा हम करते हैं डेट वाइज, जिस दिन हमने जो भी किया है ट्रांजैक्शन तुरंत ही उसका लेखा हम कर लेते हैं, तो सेम डे होता है इसमें लेखा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सेम डे ही हम इसका लेखा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ एंट्रिंग ऑल ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड, जर्नल में लेजर, जर्नल से लेजर में सभी लेन देन दर्ज करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, पोस्टिंग, प्रविष्टि, लेखांकन, उपभोगने से कोई नहीं। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो जर्नल हमने बनाया है, अब जो जर्नल से हम लेजर में अकाउंट जो ट्रांसफर कर रहे हैं, जो भी हमने एंट्रीज करी हैं जर्नल से लेजर में हम उसे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है। यहाँ पर दो डी हो गए, एक हटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या कहलाती है वो प्रोसेस, तो उसे कहा जाता है पोस्टिंग करना, इसको हिंदी में खतियाना भी बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर खतियाना या खतौनी भी लिखा जाएगा तो वहाँ पर कन्फ्यूज ना होइएगा, तो यहाँ पर इसे खतियाना या खतौनी करना हिंदी में कहा जाता है, पोस्टिंग इंग्लिश में बोलते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, संपत्ति, दायित्व, देयता या पूंजी या फिर उपयोग सभी। अच्छा, ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि बैलेंस शीट क्या है, एक अकाउंट है या विवरण है। तो यहाँ पर बैलेंस शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है। अब इसमें किस चीज का विवरण होता है, एसेट का, लायबिलिटीज का, कैपिटल का या फिर ऑल ऑफ दैट। तो आपने बैलेंस शीट आपको ध्यान में होगी ही, दो साइड होते हैं, एक साइड जो होता है उसमें आपकी लायबिलिटी और कैपिटल रहती है, एक साइड में एसेट्स होती हैं। तो यहाँ पर इन तीनों का ही विवरण रहता है, का एक आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड, बैलेंस शीट तैयार की जाती है डेली, वीकली, मंथली, एनुअली। तो बैलेंस शीट को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं कि जो जैसे भी था कि जर्नल जो होता है उसमें एंट्रीज है किस बेसिस पे की जाती हैं, उसी तरह बैलेंस शीट जो बनाते हैं तो आपको पता होगा कि बैलेंस शीट कब बनाई जाती है, जब सारे अकाउंट्स हमारे बन जाते हैं, जब फाइनल अकाउंट्स हम बनाने की तरफ जा रहे होते हैं, ट्रेडिंग बना लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे, उसके बाद सबसे एंड में बनाई जाती है बैलेंस शीट, क्योंकि सभी के बैलेंस को निकालने के बाद ही उससे हम बैलेंस शीट को तैयार करते हैं। तो ये बनाई जाती है एनुअली, वार्षिक तौर पर बनाई जाती है। एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज द करेंट लायबिलिटीज, जिनकी चालू देयताएं हैं, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, ऑल ऑफ दैट। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसमें से करंट लायबिलिटीज कौन सी हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि करंट एसेट कौन सी है या फिर करंट लायबिलिटी कौन सी है। तो यहाँ पर वो चीजें करंट लायबिलिटी में आएंगी जो कि हमको एक साल के अंतर्गत कह सकते हैं, या जो आपकी करंट नेचर की चालू प्रकृति की होती हैं, तो उस तरह की जो होंगी लायबिलिटीज वो आती हैं आपकी करंट लायबिलिटीज में। तो बिल्स पेएबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये तीनों ही क्या है, करंट लायबिलिटीज मानी जाती हैं, ये तीनों ही चालू दायित्व या चालू देयताएं होती हैं। तो एक आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पर, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपके 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें इसके आगे से क्वेश्चंस हम लेंगे, तो सारी वीडियोस को जरूर देखिए, प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए, तो आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। और किसी सब्जेक्ट का एमसीक्यूज चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा सब्जेक्ट का नेम। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा और फिर वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।